जिला स्तरीय 3 सदस्यों की टीम ने वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। बसंतपुर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष ने लगाए कई आरोप। आपको बता दें, अनुमंडलीय अस्पताल का जिले की 3 सदस्य की टीम ने औचक निरीक्षण किया। वहीं इस निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, चिकित्सक कक्ष के अलावे साफ सफाई की जानकारी ली। इसी क्रम में अस्पताल के इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सक डॉक्टर ठाकुर प्रसाद से उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साफ सफाई की व्यवस्थाओं से वे संतुष्ट दिखे। हालांकि व्यवस्था में और अधिक सुधार हो सके, इसके लिए उन्होंने व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही। इस निरीक्षण के दौरान भाजपा प्रखंड अध्यक्ष पूर्वी आशीष देव ने अस्पताल की कुव्यवस्थाओं की जानकारी दी। शिकायत के दौरान आशीष देव ने डॉक्टर अजय झा को बताया कि अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र दीपक के द्वारा स्थानीय निजी क्लिनिक व मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन किया जाता है, जबकि वे सर्जन नहीं है। यदि वे ऑपरेशन करने में सक्षम है तो अनुमंडलीय अस्पताल में ही रोगियों का ऑपरेशन हो, ताकि गरीब रोगियों का दोहन न हो सके। आगे उन्होंने बताया कि पिछली बार सीएस ललन ठाकुर जब निरीक्षण को पहुंचे थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अनुमंडल अस्पताल में सभी प्रकार का ऑपरेशन किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रकार के ऑपरेट्स मुहैया करा दी गई है, लेकिन अब तक अस्पताल में ऑपरेशन तो शुरू नहीं किया जा सका है। लेकिन प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र दीपक निजी क्लिनिकों में ऑपरेशन करने में व्यस्त है। वहीं गरीब मरीजों को ये सुविधा अस्पताल में नहीं मिलने से उनका दोहन हो रहा है। साथ ही चिकित्सकों के द्वारा जो जांच लिखी जाती है, अस्पताल में जांच की व्यवस्था रहने के बावजूद उन रोगियों को निजी क्लिनिकों से जांच कराना पड़ता है। अस्पताल के चिकित्सक रोगियों को संबंधित जांच की जानकारी नहीं देते हैं। शिकायत के बाद डॉक्टर अजय झा ने कहा कि स्थानीय राजनीतिक दल के प्रतिनिधि से मिली शिकायत को गंभीरता से ली जा रही है। यदि सुधार नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी।